नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। पहले तो आप सबको 26 जनवरी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा दिन गया होगा सबका, आशा करती हूँ सबकी फैमिली फ्रेंड्स बहुत एंजॉय किए होंगे आप लोगों ने। काफी यंगस्टर्स को तो पता भी नहीं है कि गणतंत्र दिवस होता क्या है, एक्चुअली नहीं पता है। बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी मैंने जिसमें मुझे हंसी आई कि यंगस्टर्स को यही नहीं पता है कि गणतंत्र दिवस पे हुआ क्या था। काफी लोग रिपब्लिक डे को इंडिपेंडेंस डे के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं। तो ये है हमारी नई जनरेशन, क्या कह सकते हैं। बहरहाल मैं ज्यादा इस चीज को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ क्योंकि माफी चाहती हूँ, बहुत लेट आप लोगों को मैं ये बता रही हूँ। क्योंकि गणतंत्र दिवस हो या इंडिपेंडेंस डे हो, हमारा समाज, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो देश है, इट्स स्टिल डेवलपिंग एज आई ऑलवेज से। सो डेवलपिंग तो है ही हमारा इंडिया, और साथ ही साथ डेवलपिंग यहां से भी होते जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है हमारे इंडिया में जो मैं कह सकूं आई एम रियली गोइंग टू बी प्राउड अबाउट इट, क्योंकि ये सब बकवास है। वुमेन्स डे के दिन हम दिखाते हैं वुमेन्स के बारे में कि हमने ऐसा किया वैसा किया, वुमेन्स के लिए ये हुआ वो हुआ। एक्चुअली इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टिल हम उसी भारत में रहते हैं जहां पे वुमेन्स को उतना बढ़ावा नहीं दिया जाता है, वो पढ़ाई के मामले में हो या पॉलिटिक्स में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, स्पोर्ट्स में हो या जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में हो, लड़का लड़की की तुलना बहुत ज्यादा होती है इंडिया में। ये आज भी होता है और कल भी होता रहेगा, ये होता ही रहता है। तो मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं कहूंगी डट हमारा भारत, हमारे भारत में औरतों को इतनी इज्जत दी जाती है। नहीं भैया, मैं अभी भी उतना नहीं मानती। हाँ, बट एक चीज है कि बाहरी देशों में जो हो रहा है, यानी कि पाकिस्तान, और जो हम लोग ने देखी है बहुत सारी जगह पर कि महिलाओं के साथ क्या क्या होता है, तो उस हिसाब से इंडिया बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा है कि आज हम बेफिक्र होके अपने जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। हम बहुत कुछ मुकाम हासिल कर रहे हैं, हमने मुकाम हासिल किया है, कर रहे हैं, और हमारे पेरेंट्स काफी हद तक यहां से खुल चुके हैं, बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, साथ देते हैं। तो वाइसी वर्सा, कभी अच्छा है कभी बुरा है, पर इट्स डेवलपिंग, नॉट टोटली बट इट्स स्टिल डेवलपिंग। बट ये अच्छी बात है इंडिया के बारे में। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में शान से रहते हैं, सो आई लव माई इंडिया ऑफकोर्स। सो आज जो बात मैं करने आई हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत, जैसे कि हम सब जानते हैं, आउटसाइडर थे। लोग कहते आउटसाइडर थे क्योंकि नेपोटिज्म के हिसाब से वो आउटसाइडर थे। उन्हें किसी ने ये नहीं सोचा कि वो एक काबिल एक्टर थे, वो एक बहुत बहुत ही बढ़िया एक इंसान थे। वो अपनी जगह टेलीविजन में भी बनाकर बॉलीवुड में आए थे, टेलीविजन में हाईएस्ट पेड एक्टर थे, और वहां से वो इधर आए बॉलीवुड में, और उन्होंने बहुत नाम कमाया, बहुत नाम कमाया, जिसकी वजह से लोगों ने जलन के मारे उन्हें बैन करना शुरू किया। सलमान खान एज वी नो, करण जौहर एज वी नो, महेश भट्ट, संजय लीला बंसाली, यशराज फिल्म्स, और पता नहीं कितने लोगों ने उसे बहुत बहुत डिमोरलाइज किया। लेकिन अब जो हो रहा है वो एक चीज अच्छी हो रही है कि हमारे भाई की वजह से ही लोगों के दिमाग खुलने लगे हैं। दिमाग तो जैसे कि हम जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ उसके बाद काफी लोगों ने एक लेसन भी सीखा है। हमने जो जस्टिस की जंग शुरू की है, जस्टिस के लिए हम तो जिंदगी भर वेट करेंगे, लेकिन उसकी वजह से अब लोगों को थैंक यू बोलना नहीं आता, वो बात अलग बात है। लेकिन आर्यन, यानी कि नहीं नहीं शाहरुख खान का बेटा आर्यन नहीं, कार्तिक आर्यन, थोड़ा सा चेंज ऑफ द नेम, कार्तिक आर्यन, उसमें थोड़ा दिमाग आया। उसमें क्या दिमाग आया, अब जो बहुत ज्यादा लाइक पब्लिसिटी जिसको मिल जाती है, बहुत नाम मिल जाता है बॉलीवुड में, स्पेशली
उस लोगों को नाम मिलता है कि वो स्टार किड नहीं है तो भैया बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. यू नो, करण जौहर जैसे लोगों को, सलमान खान जैसे लोगों को, शाहरुख खान, आमिर खान, सब जो बूढ़े एक्टर्स हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो 50 के ऊपर चले गए हैं, उन्हें भैया अपनी दुकान बंद होने का डर लगने लगता है कि भैया अब दूसरा बंदा आया, वो भी स्टार किड नहीं, अपने दोस्त का बेटा नहीं है, बाहर का कोई लड़का आता है और अच्छी अच्छी नई नई फिल्म में काम मिल जा रहा है, उसको बड़ा पैसा मिल रहा है, भैया ऐसे कैसे हो सकता है ना. तो भैया चिंता का तो विषय है, तो इसको स्टॉप कैसे किया जाए. तो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है. अल्लू अर्जुन को तो कौन नहीं जानता, पुष्पा, नया टाइप का पुष्पा आया है. तो भैया आई एम ऑल्सो अ बिग फैन ऑफ अल्लू अर्जुन, नाम ठीक ले रही हूँ ना भैया, मद्रासी नाम है, आई एम सॉरी, बट आई थिंक सो मैं नाम ठीक ले रही हूँ. तो वो जो एक्टर है उनकी तुलना तो भैया बॉलीवुड के कोई भी एक्टर अभी कर नहीं सकते. अगर आज हमारा सुशांत होता तो भाई बोल सकते थे, कंपेयर कर सकते थे हम लोग, बट नहीं है. तो अल्लू अर्जुन की जो नई फिल्म आई है जो बहुत धूम मचाई है, पुष्पा नहीं, अरे भैया बहुत डिफिकल्ट नाम है, क्या नाम था, कुछ बुम बुम ऐसे ही कुछ नाम है, नाम मुझे याद नहीं है भाई, बहुत मिस्टेक हो जाती है ये मद्रासी नाम पे, मुझे माफ कर दीजिएगा, बट समथिंग लाइक या बुंकलांग, समथिंग लाइक दैट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ऑफकोर्स आई एम रॉन्ग, सो प्लीज कमेंट पे जरूर लिखिएगा कि सही नाम क्या है उस पिक्चर का. तो जैसे कि आप लोग जान ही गए होंगे कि किस पिक्चर के बारे में मैं बात कर रही हूं, तो अल्लू अर्जुन की उस पिक्चर को री लाने के लिए, मतलब इंडियन मूवी के अंदर भी बहुत सारे पैसे कमाने होते हैं ना, तो मनीष शाह करके जो डायरेक्टर है, जो बहुत ही नामी डायरेक्टर है, किस लिए, वो मद्रासी फिल्म्स हो या कोई भी बाहर की जो मूवीज होती है, यानी कि मद्रास टॉकीज की मूवीज होती है, कन्नड़ मूवीज होती है, तेलुगु मूवीज होती है, उनको हिंदी में डब करते हैं भाई साहब, और उन डब किए हुए पैसों में बहुत खेलते हैं, बहुत खेलते हैं भाई, सच में. तो मनीष शाह ने क्या किया, मनीष शाह को अब ये मूवी जो अल्लू अर्जुन की बहुत हिट हुई है उसे डब करने का मन किया. तो उसने करण जौहर के साथ एक मीटिंग बुलाई और करण जौहर और वो दोनों मीटिंग में अपना सेटिंग करके अब उन लोगों ने सोच लिया कि हम इस मूवी को हिंदी में डब करेंगे. और जिस मूवी ने अपनी इंडस्ट्री में बहुत पैसे कमाए हैं, करोड़ों अरबों, तो भैया अगर हम उसको हिंदी में डब करेंगे तो भैया हमें भी बहुत पैसा मिलेगा. तो जहां पैसा वहां करण जौहर और वहां उनके चेले. तो मनीष शाह ने ये काम करा. अब क्या होता है ना कि मनीष शाह की बातें चलती है रोहित धवन, यानी कि डेविड धवन का बेटा जो है, जो कि डायरेक्टर है नई फिल्म जो आने वाली है शहजादा, और शहजादा में लीड एक्टर होने वाले हैं हमारे कार्तिक आर्यन, जिसकी आधी मूवी की शूटिंग हो चुकी है. अब ध्यान से सुनिएगा कि क्या स्टोरी हुई है. तो कार्तिक आर्यन के साथ आधी मूवी की शूटिंग हो चुकी है. अब कार्तिक आर्यन को पता चलता है कानो कान सूझबूझ से, सूत्रों के हवाले से, उनके भी सूत्र होते हैं, जो उनके हवाले से पता चलता है कि भैया मेरी जो फिल्म है, जो अल्लू अर्जुन की ये जो, जिस मूवी का नाम मैं नहीं ले पा रही हूं, ये मूवी का नाम मुझे याकुम बुकुम बुकुम समथिंग लाइक दैट, प्लीज गेट इट थ्रू. तो उस मूवी का ही समझ लीजिए हिंदी में बन रहा है ये मूवी शहजादा. तो अगर वो मूवी का डब हो जाता है हिंदी में और वो भी शहजादा के रिलीज से पहले, तो भैया शहजादा देखने कौन जाएगा, कोई जाएगा, नहीं जाएगा ना ऑब्वियसली. अगर हमको पता है कि जिस मूवी की वजह से शहजादा बनी है हिंदी में, अब वही मूवी हिंदी में डब होके आ रही है, तो फिर मैं शहजादा देखने क्यों जाऊं. और शहजादा के लिए मेहनताना यानी कि कार्तिक आर्यन को मिल रहे हैं 21 करोड़ रुपए मिल रहे हैं. लेकिन 21 करोड़ मिलने के बावजूद अगर कोई मूवी फ्लॉप हो जाती है तो उस एक्टर का मार्केट डाउन हो जाता है. तो कार्तिक आर्यन ने अपनी बुद्धि लड़ाई और रोहित धवन को कॉल किया और धमकी दे डाली कि अगर मनीष शाह ने इस मूवी को हिंदी में डब किया, वो भी शहजादा मूवी के पहले, तो मैं शहजादा मूवी छोड़ रहा हूं.
मुझे कोई परवाह नहीं है किसी कॉन्ट्रैक्ट की, मुझे कोई जरूरत नहीं है कुछ भी जानने की, मैं शहजादा मूवी को छोड़ दूंगा। और रोहित धवन ऑफ कोर्स इज अ ग्रेट डायरेक्टर, अपनी बुद्धि लगाए, उसने मनीष शाह के साथ एक मीटिंग बिठाई, उस मीटिंग में कार्तिक आर्यन को भी बुलाया, सारी बहुत गर्मा गर्मी में बातें चली, और इस बीच मनीष शाह ने एक टिप्पणी कर डाली कार्तिक आर्यन के लिए कि ही इज वेरी अनप्रोफेशनल। भैया वो अनप्रोफेशनल नहीं है, ही हैज अ स्मार्ट ब्रेन जो उसने लगाया। उसने सुशांत सिंह राजपूत की तरह एक भोलापन नहीं आजमा के, उसने अब अपनी किस्मत को ध्यान में रखते हुए अपनी स्मार्टनेस दिखाई, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर इट, वेरी हैप्पी फॉर इट कि उसने स्मार्टनेस दिखाई। और मनीष शाह और रोहित धवन की जो मीटिंग हुई उसके बाद मनीष शाह ने कहा कि मेरे रोहित के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं किसी की वजह से अपने इस ताल्लुकात को तोड़ना नहीं चाहता हूं, तो मैं अल्लू अर्जुन की उस मूवी को डब नहीं करूंगा। शहजादा मूवी अब ऑन है और कार्तिक आर्यन का ये जो बवंडर उसने किया उसकी वजह से उसकी मूवी उसके हाथ में है और वैसे ही है जैसी होनी चाहिए, यानी कि शहजादा मूवी अब पूरी तरह से कंप्लीट होगी, एंड वो भी कार्तिक आर्यन के साथ। और अल्लू अर्जुन की वो जो मूवी डब होने वाली थी अब नहीं होगी, यानी कि इस तरह से ही दिमाग लगाना चाहिए, इस तरह से ही दिमाग लगाकर बॉलीवुड में जीना पड़ेगा, वरना बॉलीवुड गटरवुड और ये जो नेपोटिज्म है खा जाएंगे लोगों को, खा जाएंगे। देखो भैया, शहजादा आए ना आए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कोई देखने वाले है नहीं, बट ये जो स्टेप किया है कार्तिक आर्यन ने उससे मैं बड़ी खुश हूं। अगर आप भी खुश है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इसकी बुद्धि कैसी लगी, क्योंकि बींग एन आउटसाइडर If he has made this kind of decision, अपनी ढाक रखने के लिए उसने रोहित धवन को धमकी जोड़ दी, बहुत अच्छा किया, और इन सब गैंगबाजों को बता दिया कि हम अभी हैं और हमारे पास भी दिमाग है, हमें यूज मत करो, अगर हम अपने पे आ गए तो आप लोगों की बैंड बजा सकते हैं। तो भैया बैंड तो बज गई, खैर पुष्पा जरूर देखेंगे हम, पुष्पा मैं तो जरूर देखूंगी और आप भी देखिएगा। और अल्लू अर्जुन की मूवी देखने में क्या है, हम तो बॉलीवुड को बॉयकॉट कर रहे हैं, बात बाकी क्यों करें, है ना, एंजॉय करेंगे दूसरों की मूवी। और भैया कहना पड़ेगा क्या एक्टर है। एनीवेज डू कमेंट शेयर एंड लाइक, बात बाकी सब्सक्राइब करना हो आपकी मर्जी है, अपडेट जरूर रहिए, और अपडेट जानने के लिए आगे की अपडेट्स क्या हो रही है मुझ तक अपना साथ पहुंचाइए, कैसे पहुंचाते हैं आपकी मर्जी, फिलहाल मेरे साथ रहिए, धन्यवाद आपका, एंड हम फाइट करते रहेंगे, वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस, वी विल फाइट टिल आवर लास्ट ब्रेथ, एटलीस्ट आई एम गोइंग टू डू दैट। जय हिंद, बाय बाय।